Elon Musk. He's in the headlines yet again, and this time for his neurotechnology company, Neuralink. Elon Musk is plotting to take over our brains. Elon Musk said on Wednesday a wireless device developed by his brain chip company, Neuralink, is expected to begin human clinical trials in 6 months. Be ready for our first human. Now, this is a question that's been raised by several people. Is it ethical to experiment with someone's brain? Elon Musk's brain chip company, Neuralink, has come under the federal investigation. According to the documents reviewed by the news agency Reuters, the company is facing probe for potential animal welfare violations. तो इलोन मस्क और इंजीनियरों के एक समूह द्वारा 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की गई थी और न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप का निर्माण कर रही है जिसे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सके और ये ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड और उत्तेजित कर सकती है और इस चिप की सहायता से पैरालाइज लोगों को चलने, नेत्रहीन लोगों को देखने और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी सबसे पहले जानवरों पर अपनी चिप का परीक्षण कर रही है और इस समय कंपनी पर इन्हीं पशु परीक्षणों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आने के बाद उन पर पशु क्रूरता के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूरालिंक के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने हाल ही में रॉयटर्स को यह बताया है कि एक्सपेरिमेंट बहुत गलत हो रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में उनके लगभग 1500 जानवरों की मौत हो गई है और इसलिए कंपनी इस समय एनिमल वेलफेयर एक्ट के वॉयलेशन के कारण संघीय जाँच के अधीन है और कर्मचारियों की शिकायत है कि कंपनी द्वारा पशु परीक्षण में जल्दबाजी की जा रही है, जो कि पशुओं की अनावश्यक पीड़ा और मौत का कारण है। और संघीय जांच जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी, हाल ही के महीनों में अमेरिका कृषि विभाग के महानिरीक्षक द्वारा एक संघीय अभियोजक के अनुरोध पर खोली गई है। ये जांच 2 स्रोतों के अनुसार की जाएगी, जिसमें एक स्रोत एनिमल वेलफेयर अधिनियम के उल्लंघन पर केंद्रित है, जो ये नियंत्रित करता है कि शोधकर्ता जानवरों का इलाज और परीक्षण कैसे करते हैं। तो न्यूरालिंक के पशु परीक्षण के बारे में बढ़ते कर्मचारी असंतोष के समय एक जांच आई है जिसमें शिकायतें शामिल है, जिसमें कहा गया है कि सीईओ मस्क द्वारा विकास में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाला गया है और दबाव डालने के पीछे का कारण यह है क्योंकि 2020 में मस्क ने ह्यूमन ट्रायल शुरू होने की बात रखी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मस्क पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने और इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा दबाव है। लेकिन दर्जनों न्यूरालिंक दस्तावेजों और 20 से अधिक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की रोड समीक्षा के अनुसार प्रयोग विफल हो रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि इस तरीके के विफल परीक्षणों को दोहराया जाना पड़ा है, जिससे जानवरों की जांच और मौतों की संख्या बढ़ रही है। और कंपनी के दस्तावेजों की बात करें तो इसमें पहले से रिपोर्ट ना किए गए मैसेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, प्रस्तुतियां और रिपोर्टें शामिल हैं। और इस मामले में अभी तक मस्क और न्यूरालिंक के कार्यकारियों ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है और रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए रिकॉर्ड और कंपनी के पशु परीक्षण संचालन के प्रत्यक्ष ज्ञात वाले स्रोतों के अनुसार कंपनी के 2018 के बाद से 1500 जानवर मर चुके हैं, जिसमें 280 से अधिक भेड़ें, पिग्स, मंकी, रेट्स इत्यादि शामिल हैं। और सूत्रों ने इन आंकड़ों को एक बड़े अनुमान के रूप में चित्रित किया है क्योंकि कंपनी परीक्षण किए गए और मारे गए जानवरों की संख्या पर सटीक रिकॉर्ड नहीं रखती है और कई कंपनी जो कि पशु परीक्षण करती है वह जानबूझकर मारे गए जानवरों की कुल संख्या को अनिवार्य रूप से इंगित नहीं करती है, तो हो सकता है कि मारे गए जानवरों की संख्या 1500 से कहीं ज्यादा हो। और इसलिए कहा जा रहा है कि न्यूरालिंक फिर मानक अनुसंधान प्रथाओं का उल्लंघन कर रहा है। कई कंपनियां नियमित रूप से ह्यूमन हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने के लिए जानवरों का प्रयोग करती हैं और वे इसके लिए वित्तीय दबाव का सामना भी करती हैं, क्योंकि उन पर अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाने का दबाव रहता है और जानवर आमतौर पर इन प्रयोगों में मारे जाते हैं जब ये प्रयोग पूरे हो जाते हैं। और ये आंकड़े 2020 के पूरे विश्व में पशु परीक्षण के हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरालिंक ही केवल पशु परीक्षण कर रहा है, लेकिन न्यूरालिंक के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों का यह कहना है कि शोध को गति देने के लिए और मस्क की मांगों से संबंधित कारणों की वजह से मारे गए जानवरों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। रॉयटर्स ने कंपनी की चर्चाओं और कर्मचारियों के इंटरव्यू के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों के दस्तावेजों के माध्यम से रॉयटर्स ने 86 पिग और 2 मंकियों से जुड़े 4 प्रयोगों की पहचान की है जो हाल ही के वर्षों में मानवीय त्रुटि के कारण खराब हो गए थे और इन्हीं गलतियों ने प्रयोगों के अनुसंधान मूल्य को कमजोर कर दिया है। इसलिए अब परीक्षणों को दोहराया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे कि अधिक जानवर मारे जाएंगे। और वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों में से 3 लोगों ने गलतियों के लिए प्रेशर कुकर एनवायरमेंट
रिक्वायरमेंट और तैयारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। तो रोइटर्स द्वारा देखे गए एक मैसेज में न्यूरालिंक के एक कर्मचारी ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सहयोगियों को हैक जॉब्स को रोकने के लिए और कंपनी जानवरों की सर्जरी का आयोजन कैसे करती है इस बारे में एक क्रोधित पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा कि कम तैयार और अधिक तनावग्रस्त कर्मचारियों के समय सीमा को पूरा करने और सर्जरी से पहले अंतिम मिनट में बदलाव करने के परिणाम स्वरूप जानवरों के लिए जोखिम बढ़ गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्क अगले 6 महीनों में मानव परीक्षण शुरू करना चाहते हैं, इसलिए वह कर्मचारियों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वह पशु परीक्षण में तेजी लाएं। तो अब बात करते हैं कि आखिर वह किस चिप पर काम कर रहे हैं और ये चिप कैसे काम करती है। तो हमारे शरीर का सबसे जटिल भाग है हमारा ब्रेन, जिसे समझने के लिए पिछले काफी समय से रिसर्च चल रही है ताकि हम ब्रेन से संबंधित बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सके, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन न्यूरालिंक एक ऐसी ब्रेन चिप बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सके और इस चिप की सहायता से ब्रेन में उपस्थित न्यूरल सिग्नल्स को प्रोसेस और ट्रांसमिट किया जा सकता है। और कंपनी को उम्मीद है कि एक व्यक्ति संभावित रूप से अपने विचारों के साथ माउस, कीबोर्ड या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग जैसे अन्य कंप्यूटर कार्यों को चिप के द्वारा नियंत्रित करने में सक्षम होगा और इस चिप के जरिए कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करने में भी मदद मिलेगी। तो इस चिप को समझने से पहले हम एक बार ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं और इन सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन्स, और यही न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की मूलभूत इकाई होती है। हमारे ब्रेन में उत्पन्न इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को न्यूरॉन्स हर कदम पर बदलने और रिले करने का काम करते हैं। साफ शब्दों में ये अरबों छोटे छोटे न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में सूचनाओं के वितरण का काम करते हैं, जिसे फिर आपका चाहे सिर हिलाना हो या हाथ हिलाना हो या चाहे आपका ये वीडियो देखना हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ब्रेन में ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स हर जगह फायर हो रहे हैं जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करते हैं, और न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेंड करने और रिसीव करने का काम करता है। तो जैसे आप अपना पैर हिलाना चाहते हैं तो आपके ब्रेन में उत्पन्न वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा आपके ब्रेन से आपके पैर तक जाते हैं और फिर आप अपना पैर हिला पाते हैं। और ये न्यूरॉन्स आपके शरीर में सिनेप्स के माध्यम से संचार करते हैं और ये सिनेप्स एक केमिकल सिग्नल रिलीज करता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो सिंपल शब्दों में जब भी आप कोई कार्य करते हैं या फिर आप करने की सोचते हैं तो आपके ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं और न्यूरालिंक अपने चिप के जरिए इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, फिर उन्हें वह कंप्यूटर में भेजता है। और इसका सफल परीक्षण उन्होंने एक पिक पर किया था और जिसकी वीडियो उन्होंने 2 साल पहले रिलीज की थी। तो वीडियो में 3 पिक दिखाए गए थे। फर्स्ट पिक था जोइस, जो कि बिना चिप के एक सामान्य पिक था। तीसरा पिक था डोर्थी, डोर्थी के ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की गई थी लेकिन उसे बाद में निकाल दिया जाता है। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पिक था गर्टरूड, जिसके ब्रेन में चिप इम्प्लांट की गई थी और वह चिप सामान्य रूप से काम कर रही थी। जब भी गर्टरूड चल रहा था या फिर कुछ सूंघ रहा था तो उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर हो रहे थे जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न कर रहे थे। और न्यूरालिंक अपनी चिप की सहायता से इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा था। अब बात करते हैं कि वह ऐसा कैसे कर पा रहे थे। तो चिप में जो वायर्स और थ्रेड्स लगे थे वह इलेक्ट्रोड का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही इलेक्ट्रोड मस्तिष्क द्वारा भेजे गए संकेतों को पढ़कर यह पता लगाता है कि मस्तिष्क में क्या हो रहा है और उन विद्युत संकेतों को इलेक्ट्रोड द्वारा उठाया जाता है, फिर न्यूरालिंक डिवाइस को भेजा जाता है। फिर जो आप स्क्रीन पर जो बीपिंग साउंड सुन रहे हैं ये ब्रेन के उन न्यूरॉन्स का साउंड है जो कि उसके ब्रेन में उत्पन्न हो रहे हैं। और इस तरह न्यूरालिंक चिप के जरिए ब्रेन में उत्पन्न न्यूरॉन्स को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहता है। और इसके अलावा कंपनी का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में N1 चिप के जरिए किसी भी कंप्यूटर और फोन को केवल अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाएगा और टाइपिंग करने और गेम खेलने में सक्षम होगा। और इसका डेमो उन्होंने अप्रैल 2021 में दिया था जब उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने एक मंकी जिसका नाम पेजर था उसे एक चिप के जरिए वीडियो गेम खेलते दिखाया गया था। और ये मंकी रिसेस मकाक नस्ल का था जो कि इस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है क्योंकि इसका DNA मानव के DNA से काफी ज्यादा मेल खाता है और इसके ब्रेन में ये चिप इम्प्लांट की गई थी। और वीडियो के अनुसार पेजर को लग रहा है कि वह गेम जॉयस्टिक से खेल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि न्यूरालिंक की टीम ने जॉयस्टिक को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया था क्योंकि उन्होंने पेजर के ब्रेन में वह चिप इम्प्लांट की थी और वह चिप न्यूरल सिग्नल को प्रोसेस करके कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर रही थी। तो पेजर अपने ब्रेन में केवल ये सोच रहा है कि वह जॉयस्टिक की सहायता से उस गेम को खेल रहा है और उस कर्सर को घुमा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, पेजर उस गेम को अपने ब्रेन से चला रहा है क्योंकि पेजर के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वह चिप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रही है और अगली स्थिति को प्रेडिक्ट करके उस गेम को चला रही है। तो कह सकते हैं कि न्यूरालिंक की टीम उस चिप के जरिए पेजर के ब्रेन में उत्पन्न उन सिग्नल्स को एक एल्गोरिथम में डालकर उस गेम को चला रही है। और रही बात टाइपिंग की तो कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक मंकी अपने ब्रेन से कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा है
तो अब तक न्यूरालिंक्स न्यूरॉन्स को रिकॉर्ड करने, चिप की सहायता से टाइपिंग करवाने और गेम खिलवाने में कामयाब रहा है। तो अब तक मनुष्य पर कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज आउटलेट की माने तो न्यूरालिंक अगले 6 महीनों में ह्यूमन ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट कर देंगे। अगर हम इस N1 चिप की बात करें तो यह चिप एक सिक्के की आकार की है और इसके वायर और थ्रेड्स मानव बाल की तुलना में 10 गुना पतले हैं। लेकिन न्यूरालिंक की ये तकनीक नई नहीं है, लेकिन जो चीज न्यूरालिंक को अन्य न्यूरल इंटरफेस से काफी अलग बनाती है वह यह है कि इस चिप में न्यूरॉन्स को उत्तेजित करने के लिए काफी अधिक इलेक्ट्रोड डाले गए हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। तुलना के रूप में यूटारे, जो कि इस समय सबसे अच्छी BMI में से एक मानी जाती है, यूटारे का उपयोग भी ब्रेन से संबंधित स्थितियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें लगभग 100 इलेक्ट्रोड चैनल है, जबकि न्यूरालिंक के वर्तमान डिवाइस में 1024 इलेक्ट्रोड चैनल है और ये भविष्य में इससे भी अधिक हो सकते हैं। और न्यूरालिंक की N1 चिप वायरलेस भी होगी, लेकिन कोई भी न्यूरोसर्जन इस चिप को इम्प्लांट करने में सक्षम नहीं है क्योंकि एक न्यूरोसर्जरी है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तकनीक और सर्जरी में जो सबसे बड़ा जोखिम रहता है वो है संक्रमण, रक्त स्त्राव और टिश्यू डैमेज का, जिससे किसी भी व्यक्ति की सर्जरी के वक्त मौत हो सकती है। तो इसलिए इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में न्यूरालिंक के रोबोट R1 द्वारा इम्प्लांट किया जाएगा। तो सर्जरी में रोबोट द्वारा आपके ब्रेन में एक कॉइन के आकार का छेद किया जाएगा और ब्रेन में स्थित ड्यूरा को उजागर किया जाएगा, जो कि मस्तिष्क के चारों ओर उत्तक की रक्षात्मक परत है, और ड्यूरा को काटने के बाद वो फिर आपकी मस्तिष्क की सतह पर पहुंचकर वहां पर इलेक्ट्रोड को लगाया जाएगा और इस तरीके से आपके ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट किया जाएगा। तो अगर ये तकनीक आगे बढ़ती है और ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल रहती है तो ये मानव जाति की सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में से एक हो सकती है, क्योंकि मस्क का ये मानना है कि इस चिप की सहायता से नेत्रहीन लोगों को देखने और पैरालाइज लोगों को चलने में सहायता मिल सकती है। और अब बात करते हैं कि आखिर कैसे नेत्रहीन लोगों को देखने में सहायता मिलेगी, और इसका डेमो उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया है। I think this is like notable in that even if someone has never had vision ever, like they were born blind, we believe we can still restore vision. तो ज्यादातर मामलों में जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है या फिर दृष्टिहीन पैदा होता है तो वह किसी प्रकार की बीमारी, डैमेज और आंख की स्थिरता के कारण होता है, और वह ऑर्गन जो बाहरी दुनिया से लाइट इनपुट प्राप्त करता है और उसे एक इलेक्ट्रिकल न्यूरल सिग्नल में परिवर्तित करता है वह है हमारा विजुअल कोर्टेक्स। विजुअल कोर्टेक्स ही हमारे ब्रेन का वह हिस्सा है जो हमें चीजें देखने के लिए मदद करता है। तो विजुअल कोर्टेक्स हमेशा हमारे ब्रेन में उपस्थित रहता है, चाहे फिर वह व्यक्ति दृष्टिहीन ही क्यों ना हो, बस वह कोई इनपुट प्राप्त नहीं करता। और यहाँ न्यूरालिंक अपने R1 रोबोट की सहायता से उस चिप को आपके कोर्टेक्स में इम्प्लांट करेगा और फिर वह चिप इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगा न्यूरालिंक के अनुसार। तो न्यूरालिंक का आइडिया यह है कि चिप में लगे प्रत्येक चैनल के माध्यम से मस्तिष्क में वह एक करंट इंजेक्ट करेंगे, जिससे कि वह ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी को उत्तेजित कर पाएंगे और इस उत्तेजना के माध्यम से न्यूरालिंक आंख को बाईपास कर पाएगा और फिर वह डिवाइस की मदद से सीधे ब्रेन में एक विजुअल इमेज उत्पन्न कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें एक डिवाइस की जरूरत होगी जो कि कैमरे जैसा दिख सकता है। फिर वह उस कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो या इमेज को एक स्मार्टफोन में वायरलेसली स्ट्रीम किया जाएगा और फिर उस इमेज को एक न्यूरल सिग्नल में बदला जाएगा और फिर उस सिग्नल को N1 चिप में भेजा जाएगा और फिर चिप उस सिग्नल को विद्युत प्रवाह के माध्यम से सीधे विजुअल कोर्टेक्स के न्यूरॉन्स में भेजेगा और फिर वह व्यक्ति जो दृष्टिहीन है वह उस इमेज को देख पाएगा। अब इसके अलावा अब बात करते हैं कि कैसे न्यूरालिंक की चिप पैरालाइज लोगों को दोबारा चलने में मदद करेगी, तो उसको हम इस वीडियो द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रयोग में उन्होंने उस पिग के पैरों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उसके स्पाइनल कॉर्ड में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया है, मतलब इस पिग के शरीर में एक से अधिक चिप का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं चिप्स की सहायता से वह उस पिग की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में और उसकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी उसे प्रेडिक्ट करने में वह सक्षम थे। तो वीडियो के अनुसार उसके ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में लगी चिप की सहायता से वह उसके पैरों की मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी तकनीक का उपयोग कर न्यूरालिंक पैरालाइज लोगों को चलने और अपने हाथों का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा मस्क ने यह भी क्लेम किया है कि आप अपनी यादों को फोटोज और वीडियो की तरह उस चिप में सेव कर पाएंगे और आप उन्हें कहीं भी सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मस्क ने यह भी क्लेम किया है कि आप इन चिप्स को iPhone की तरह अपग्रेड भी कर पाएंगे। लेकिन मस्क और उनकी कंपनी के ये सभी क्लेम सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए अभी भी उन्हें FDA से अप्रूवल चाहिए और बिना FDA के अप्रूवल के वह ह्यूमन ट्रायल शुरू नहीं कर सकते। और इस समय मस्क और उनकी कंपनी को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सभी आलोचनाओं के अलावा अगर मस्क और उनकी टीम ह्यूमन ट्रायल्स में सफलता हासिल करती है तो ये टेक्नोलॉजी कई लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है।